तो अब सवाल होता है कि भाई हम कैसा सुख चाहते हैं, कैसा सुख चाहते हैं? हम सब ऐसे तो सुख मिला करता है, आपने चाहा ये चीज मिल जाए, मिली, आपने कहा सुख मिल गया, सुखी हो गए आप, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दुखी हो गए, फिर आपने कुछ और चाहा, वो आपकी चाहना पूरी हुई, आपने अपने आप को सुखी मान लिया, फिर थोड़ी देर में आप दुखी हो गए। तो हम और आप कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं जो हमेशा हमेशा को मिलता रहे, जिसके बाद फिर हमको दुख नहीं मिले। पहली बात, ऐसा सुख चाहते हैं जो हमेशा को मिल जाए। तो भैया ऐसा सुख जो हमेशा को मिले वो किससे मिल सकता है? जो हमेशा को होगा, जो हमेशा रहने वाला होगा ना, उसी से तो मिल सकता है। जो खुद हमेशा रहने वाला नहीं है, उस स्त्रीपति बाप बेटे से अगर आप ये सुख चाहोगे तो आपको मिलेगा तो कैसे मिलेगा? वो स्वयं टेम्परेरी हैं, आज है कल नहीं है, वे स्वयं नश्वर हैं, तो वो आपको परमानेंट सुख दे कैसे सकते हैं? सोचने की बात है। ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा को मिल जाए। तो ऐसे पर्सनैलिटी से चाहो जो हमेशा रहने वाली, जो जब कुछ नहीं था तब भी था, जो सब कुछ है तब भी है, और जो कुछ नहीं रहेगा तब भी रहेगा। ऐसी पर्सनैलिटी से सुख चाहो, वो मिलेगा आपको। फिर हमको कैसा सुख चाहिए? हमको ऐसा सुख चाहिए जो इतना हो, इतना हो, इतना हो, यानी कि जो अनंत मात्रा का हो। थोड़े से सुख से हमारा आप तृप्त नहीं होते, थोड़ा तो 10 बार मिलता रहता है लेकिन तृप्ति नहीं होती है। तो जो अनंत मात्रा का हो ऐसा सुख चाहिए। तो ऐसा सुख किससे मिलेगा? जिसके पास अनंत सुख होगा उसे ही तो मिलेगा। हमारे और आपके पास वास्तविक सुख नहीं है, जो कुछ भी है वो भी लिमिटेड है, थोड़ा बहुत जो प्रतिबिंब है उसका वो भी लिमिटेड है, थोड़ा बहुत है। तो हमको तो ऐसा चाहिए जो अनलिमिटेड हो। तो अनलिमिटेड पर्सनैलिटी से आपको मिल सकता है। कहाँ चाहिए? सब जगह चाहिए। हम जहां जाए हमको सुखी मिले, कहीं भी हमको दुख ना मिले, ऐसा होता है ना सबके मन में, कभी हमको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, कभी हमको परेशानी नहीं आनी चाहिए, कभी हमको कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमको हर जगह सुख मिले। तो हर जगह जब हम सुख चाहते हैं तो ऐसी पर्सनालिटी से वो सुख मिल सकता है जो हर जगह हो। हर जगह कौन हो सकता है? हर जगह जो पर्सनालिटी है, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, कोई परमाणु सृष्टि का आप ऐसा नहीं ला सकते जहां परमात्मा न हो, ब्रह्म न हो। तो जो परमात्मा है, जो सब जगह है, उससे सुख चाहोगे तो आपको हर जगह मिलने वाला सुख प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर कैसा सुख चाहिए हमको? जो हर समय मिलता ही चला जाए, कभी नष्ट ना हो, हर समय मिलता रहे, कभी मिला था आज नहीं मिल रहा या कल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। तो भैया जो पर्सनालिटी हर समय है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, ओमनीपोटेंट है, जो सर्वज्ञ है, सर्वदृष्टा है, सर्व साक्षी है, सर्व स्वयत है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, ऐसी पर्सनालिटी से अगर चाहेंगे तो हमको वो सुख मिलेगा, अन्यथा तो सुख हमको और आपको मिल नहीं सकता है। नोट करके रख लेंगे इस बात, जो सुख हमको और आपको चाहिए, हमको इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, इंद्रियों का तो मिलता रहता है फिर छिन जाता है, मन का सुख भी नहीं चाहिए, वो भी हमको अब मिलता है छिनता है, बुद्धि का सुख नहीं चाहिए, वो भी हमको मिलता है छिनता है, हमको और आपको किसका सुख चाहिए? अपना सुख चाहिए, अपना सुख, अपना वाला सुख। अपना सुख का मतलब क्या? हम कौन है? आज तक हमने ये देखा कि हमको क्या चाहिए, देखने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हमको सही तरीके से मालूम नहीं पड़ा है कि हमको और आपको क्या चाहिए, पड़ जाएगा, घबराएंगे नहीं। तो हमको क्या चाहिए? हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, चैन चाहिए, विश्राम चाहिए, पीस चाहिए, ब्लिस चाहिए।
लेकिन मिली नहीं आज तक। अपना वाला सुख चाहिए, अपना वाला सुख। अब सवाल होता है कि वो सुख, पहली बात कि हम अनादिकाल से प्रतिक्षण उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, उस सुख को ही प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन मिला नहीं है। किसी को भी हम में से आपको एक को भी नहीं मिला है अभी तक। आप सोचेंगे कि भाई, आप कह देंगे तुमको नहीं मिला, हमको तो मिल गया जी, धोखा है आपको, आपको नहीं मिला, मेरा चैलेंज है। और नहीं मिला इसका प्रमाण क्या है? आप कहेंगे कि भाई हमको तो मिल गया, ये कहते नहीं मिला। नहीं मिला इसका प्रमाण ये है कि अगर आपको वो सुख मिल गया तो जानते हो क्या होगा जी? न, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो शास्त्रों की बातें आपके सामने रख रहे हैं। रामचरित मानस में लिखा, जिन बारेक सपने हूं लहेऊ, जिसको दो चार दस बीस बार नहीं, जिन बार एक बार भी जागृत अवस्था में नहीं, सपने हूं लहेऊ, सपने में भी वह सुख पूरा का पूरा नहीं। जिन बारेक सपने हूं लहेऊ, सोई सुख लवलेश, उस सच्चे सुख का लवलेश भी प्राप्त हो गया। लवलेश का मतलब क्या होता है? लवलेश का मतलब वो हिस्सा दरिया का, समुद्र का वो हिस्सा, जो एक सुई खड़ी लेकर के जाइए, सिलाई करने की सुई दरिया किनारे, और जो शक्ति आपकी हो, लोटा बाल्टी ड्रम, जो आप ताकत करके ले जा सकते हो, लेकर के जाइए और उससे दरिया के पानी को खड़ी सुई की नोक के ऊपर उड़ेलिए, उड़ेलते जाइए, उड़ेलते जाइए, उड़ेलते जाइए, थक जाए बंद कर दीजिए। अब खड़ी सुई की नोक के ऊपर जो पानी का अंश बचेगा वो दरिया का लवलेश हुआ करता है। कल्पना कर रहे ना कितना छोटा हिस्सा हो सकता है, बचेगा क्यों नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिसको एक बार भी सपने में भी उसका सुख, सच्चे सुख का, जो सुख हमको और आपको सबको चाहिए, उसका लवलेश भी प्राप्त हो गया, तो जिन बारेक सपने हो लहेउ, सोई सुख लवलेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति, ते नहीं गनहि खगेश। अरे भैया, जिनको एक बार भी सपने में भी उस सुख का लवलेश प्राप्त हो गया, उनके मन को फिर ब्रह्मानंद अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। हमारे और आपके मन को तो ये मायानंद, विषयानंद, जगदानंद, स्त्रियानंद, पत्यानंद, पुत्रानंद, धनानंद, ऐश्वर्यानंद, ये सब आनंद अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो हमको कहां सच्चा सुख का लवलेश प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। जिस दिन हो जाएगा, सब फीका 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 लगेगा।